दादी जी? हम दाल घर पे उगाते हैं का? ये तूने सारी दाल बर्बाद कर दी। सुबह कहा था पीस के जाना, बड़ी बना के जाना, सब करके गई होती तो क्या होता है? देख इतनी सारी दाल, 500 रुपए की दाल बर्बाद कर दी। दादी जी वो ऑफिस में ना बहुत लेट हो गया था मुझे, इसलिए मैं ऐसे छोड़ के चली गई, ये सोच के कि मैं शाम को जब वापस आऊंगी तो कर दूंगी। और मैं मम्मी जी को बता के गई थी इसके बारे में, लेकिन जब वापस आई तो परी के बारे में पता चला तो टेंशन में भूल गई। हाँ वो कहाँ है अम्मा जी, हमको बता कर तो गई थी, फिर वो सब परी का ही परी का का लगा रखा है। परी ने शादी किया है और तमाशा किया है कि सारी अपनी गलती सरकार है उसके नाम पे, और तू इसके पल्लू की पताई मत कर। गलती की वो समझा, आज इधर की उधर सरकार है। परी 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 नहीं अम्मा जी, हम ये कह रहे कि इन सब बातों में ना समय नहीं मिला है, तो फिर आपने फिर बोला था कि मिठाई बनाओ तो कहा सुना रही है। हमने कहा कि परी की शादी हुई तो मिठाई बनाओ सुना रही है। नहीं हम ही कह रहे थे समय नहीं मिला, बस पानी पिला हमको। अच्छा एक घंटा और भीगती ना सड़ जाती दाल। चलो अब शुरू करो, पीसो और अभी क्या अभी बना दो बड़ी। अभी कजा के पंचांग ले आए मुहूर्त निकालने के लाने, फौरन बनाना शुरू कर दे। अम्मा जी ये पीसते तो रात हो जाएगी ना इसको। हाँ तो हम बना देते हैं ना बड़ी, फिर सुबह ऑफिस भी जाना है। अरे वो कहा है तुम्हारे हाथ की बड़ी खा के हम बूढ़े हो गए, अब तो हमें बहुरिया के हाथ की बड़ी खानी है। शुरू कर दे। जी दादी जी। और सुन, बड़ी हो जाए फिर ऊपर सुखाने जाएगी ना, तो बड़ी के ऊपर पतला कपड़ा डाल देना, वरना ओस से दाल फैल जाएगी। जी दादी जी। अच्छा अम्मा जी पानी, एक काम करते हैं, ये दाल पीस देगी हम बड़ी डाल देंगे। तेल सरका दे पूरा का पूरा कान में ताकि सुनाई दे। हमने कहा बहुरिया के हाथ की बड़ी खानी है। ठीक है। और सुन अदरक और लाल मिर्च भी डालना बराबर से अंदर। ये दूसरे मसाले तो पीसना भूल गए हैं हम, तो पीसो फिर। हाँ जी। कपड़ा दे, पतला कपड़ा दे। चल देख कपड़ा ला, का ऑफिस से है? हाँ जी बॉस का फोन है, उठाओ। हाँ जी सर। मुझे पता चला कि तुम प्रेजेंटेशन के बाद बिना किसी से पूछे घर चली गई। हाँ सर वो प्रेजेंटेशन खत्म हो गई थी तो मैं घर आ गई थी, थोड़ा काम। हाउ कैन यू बी सो रिस्पॉन्सिबल? उस दिन तो बड़ा भाषण दे रही थी, अब क्या हुआ तुम्हारी मोरालिटीज का? हाँ सर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहाँ से आ गई? मेरा ऑफिस का काम खत्म हो गया तो मैं घर आ गई क्योंकि घर पे काम था। ये तुम्हारे घर पे रोज रोज ड्रामे होते रहेंगे तो क्या रोज रोज छुट्टी लेती रहोगी तुम? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरी फैमिली को काम के बीच इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी है मेरी फैमिली, आपका काम और ऑफिस उसके बाद आता है। अच्छा अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली है तो फिर फैमिली संभालिए ना, ऑफिस क्यों आती है? आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या आप मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं रेजिग्नेशन दे दूं? सर मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि अभी जो छुट्टियां मैंने ली है ना, वो जो मेरी पहले की छुट्टियां थी उनमें से ही ली है, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और अगर आप फिर भी मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं रेजिग्नेशन दूं तो मैं आज ही हेड ऑफिस में आपकी कंप्लेंट करूंगी और उनको बताऊंगी कि रियलिटी क्या है। अगर मैं सही हूँ तो मैं किसी से नहीं डरती। आपको जो करना है आप कर लीजिए। वारी बहुरिया, तूने तो बास की ऐसी तैसी कर दी। अब पीसी दाल। ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, बॉस को डांट लो तो चलेगा, लेकिन ये दाल, 1 किलो दाल पीसनी रात तक थोड़ा असर भी नहीं है। ठीक है एक काम करते हैं, हम उसमें पीस लेंगे, तुम इसमें शुरू कर दो है। अच्छा हमारा तो मसला तैयार हो गया बेटा, बड़ी का लाओ हम फेंट देते हैं है? पर मम्मी क्या फेंटेगी? और या फेंटेगी तू ही करना, हाँ पूरी बड़ी तू ही बनाना। ओ प्रीतिया निम्मो पालकी भेज देखा तुम्हारे लाने। जी दादी आए। हाँ चलो बड़ी रखने में मदद करनी पड़ेगी। और छोटी रानी तुम जाना स्टोर रूम से टोकरियां निकालना, साफ ऑफ करके रखना। हाँ ए तू आज ऑफिस नहीं गई, कल दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं दादी पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं भाभी पता है मेरे बॉस तो इतने अच्छे हैं, कभी किसी चीज के लिए एक्सप्लेनेशन मांगते ही नहीं है, काफी अंडरस्टैंडिंग है। खुद मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है ना तो एज अ फ्रेंड मुझे ट्रीट करते हैं। पता है कभी कभी ऐसे लंच में मैं खाना नहीं खाती और काम करती रहती हूँ तो आके बोलते हैं प्रीति काम बाद में पहले खाना। वाओ तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा याराना है। कल इस्तीफा दे देना, कल कल के कल नौकरी बंद। दादी दादी जी प्रीति क्यों इस्तीफा देगी? कितनी मुश्किल से नौकरी मिलती है और ऐसे कैसे? ये गलत बात है। तुम हमें सिखाओगी क्या गलत है और क्या सही है? हमारे पोतियों की जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए, तुम हमें सिखाओगी? पर दादी परिधि की गलती की सजा हमें क्यों? बेटो रानी तुम बहुत ही छोटी हो, इतनी बड़ी नाई हो गई कि हमसे सवाल करो। जितना हम कहते हैं उतना ही कान में सरकाओ, समझी ना? हमने कह दिया सो कह दिया। पर इसमें दी की क्या गलती है? अरे गलती की नहीं है तो क्या हुआ, गलती हो तो सख्त है ना। है? परी देख इतनी समझदार है फिर भी इतनी बड़ी गलती कर बैठी, तो बड़ी भोली है। ये कैसी बात हुई दादी जी? क्योंकि आपको लगता है कि प्रीति से गलती हो सकती है, आप इस बेचारी का करियर खत्म कर दोगी। दादी जी प्रीति ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये एक बहुत सुलझी हुई लड़की है। इसने आज तक आपको शिकायत का कोई मौका नहीं। चुप रहो रिया, अम्मा जी कह रही है ना एक बार कि प्रीति आप नहीं करेगी नौकरी, छोड़ देगी नौकरी तो छोड़ देगी नौकरी। पर क्यों मम्मी जी? प्रीति ने कोई गलती नहीं, आज तक अपनी आजादी का कभी गलत फायदा नहीं उठाया। बस बस परी ने शादी की है फिर भी देखा नहीं आज कैसा तमाशा हुआ। अरे कछु ऊंच नीच हो गया हमारी प्रीतिया के साथ, हमारी तो नाक ही सरक जाएगी। फिर कौन तू आएगी? श्रीवास्तव परिवार की इज्जत बचाने तू आएगी का? मैं आऊंगी। आपको लगता है कि प्रीति से गलती हो सकती है तो हम इस चीज का भी एक सलूशन निकालेंगे। हमारे घर से कोई ना कोई प्रीति को ऑफिस लेके जाएगा और वही इंसान इसे वापस लेकर भी आएगा। और कोई क्यों, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं हर रोज इसे ऑफिस लेके जाऊंगी और वहां से वापस लेकर भी आऊंगी। ऐसा का तो ऑफिस छोड़ने के बाद वापस लाने से पहले बीच में कुछ हो गया तो तू क्या करेगी? हमने बोल दिया ऑफिस नहीं जाएगी प्रीतिया तो नहीं जाएगी।